Okay, today we are going to see the some problems of chapter 3, rest and motion kinematics of S.C. Verma volume 1. बिफोर वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते, देखो लास्ट क्वेश्चन विल डिस्कस अगेन कि द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल्स एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स एस वन एस टू हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड 4. द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इच अदर. नहीं, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सपोज ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, तो ये ऐसे जा रही है और ये इधर जा रही है, तो रेस्ट पे नहीं होंगे. या एंगल पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा है और ये एक कार है, ये दूसरी कार है, तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे आर मूविंग. ठीक है, दूसरा केस, द फ्रेम मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सलेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो देखो यहाँ पर तो विद रिस्पेक्ट टू इच अदर एक्सलेशन आ रहा है इनका, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये अपना एक्सलेशन का वेक्टर से निकाल सकते हैं, ए वन माइनस ए टू है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ठीक है, डिफरेंस द एक्सलेशन विद रिस्पेक्ट टू इच अदर में माइनस आता है, ये एंगल पलटना पड़ता है ना. और इसमें देखते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है क्या, लेट अस सी नाउ. देखो, फ्रेम्स मे बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सीलेटेड. तो देखो, सपोज ये दोनों का एक ही डायरेक्शन में एक्सीलेशन है, पहले हमने, ठीक है, तो ये भी फोर से जा रहा है, ये भी फोर से जा रहा है ना, तो नाइदर शुड बी एक्सीलेटेड विद रिस्पेक्ट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनका जो है एक्सलेशन नहीं है, दोनों एक ही एक्सलेशन से जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो बट मे बी मूविंग बोला है, तो उनको फिर मोशन भी नहीं दिखेगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दे विल नॉट बी मूविंग. ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगी, दूसरी पहले वाले के रिस्पेक्ट में रेस्ट होगी, दोनों रेस्ट पे दिखेंगे, अगर एक्सलेशन सेम है तो रेस्ट पे दिखेंगे. तो लिखा है मे बी मूविंग, मे विल नॉट बी मूविंग, और इसमें तो ऑफ कोर्स जब एक्सलेशन है तो मूविंग भी दिखाई पड़ेगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इसकी डायरेक्शन और चेंज हो जाएगी, इसमें क्लियर दिखेगा. इसमें तो नाइदर शुड बी एक्सीलेटेड, ऑफ कोर्स इसमें पॉसिबल, इसमें तो एक्सीलेशन आएगा, बट इसी केस में एक्सीलेशन नहीं आएगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट रेस्ट पे दिखेंगे इसके, इन अदर दे विल नॉट बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर एक्सीलेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नहीं है तो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज the acceleration of s2 with respect to s1 may either be 0 or 8. इसमें 0 हो जाएगा, दोनों एक ही 4 से जा रहे हैं, अगर ये इधर जा रहा है तब 8 आ जाएगा, तो दोनों आप ये हैं, बट अगर एंगल पे जा रही है ना, तब तो लेस देन बिटवीन 0 एंड 8 आएगा, इस फार्मूले से, वेक्टर लॉ से, एंगल डिपेंडेंट है, दोनों की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 0, और एंगल जो है चेंज होता जा रहा है, अगर इस एंगल पे जा रहे हैं 90 पर तो 4√2 आ जाएगा, है ना, 60 पर जा रहे हैं तो 4 आ जाएगा, 120 पर जा रहे तो 4√3 आ जाएगा, तो इट इज़ इन बिटवीन हो जाएगा, दो वैल्यू नहीं है, बाकी इन बिटवीन भी वैल्यूज है, तो यही आई थिंक लास्ट ऑप्शन है, द एक्सलेशन ऑफ एस टू विद रिस्पेक्ट टू एस वन में भी एनी थिंग बिटवीन 0, हाँ वैक्टर लॉस है, कुछ भी आएगा, एंगल डिपेंडेंट होगा, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने एंगल पे एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, दैट्स वॉट इज द आंसर. ऑल राइट, तो अभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट आंसर्स वाले नहीं, शॉर्ट आंसर वाले होगा, ये मेन एक्सरसाइज है. मैन हैज to go 50 meter due north, 40 meter due east and 20 meter south. पहले north गया, फिर east गया, फिर इधर, तो ये वाला displacement निकालना है, distance निकालना है, distance तो ऐड हो जाएंगे ये, और displacement के लिए हम shortest distance निकाल लेंगे, ऐसे diagram है, this, तो distance ऐड हो गई, और फिर हमने ये 40 दिया, ये total कितना दिया है 50,
20 वापस आया, तो ये 30 बचे गए। 40 और 30 का जो पाइथागोरस थ्योरम से 50 आ जाएगा ये वाला। 10 इनवर्स, यहाँ से देखो थीटा इज 10 इनवर्स बाई 3/4, एंगल है किस तरफ है, नॉर्थ, कहाँ से, ईस्ट से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट दिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है पहले, रिटर्न्स अलॉन्ग द सेम पाथ, गोज टू द -20, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। देखो ऐसे गया, फिर इधर आ गया, तो डिस्टेंस 20 + 20 + 20 60 हो गई, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेज, तो -20 और 20 इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्स, ऐसे लिखेंगे, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस हैं, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज, इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर एंड 320 बाय रोड, एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज डीलक्स बस टेक्स 8 आवर्स, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, तो प्लेन का जो है डिस्टेंस ये है, टाइम हाफ एन आवर है, तो डिवाइड कर देंगे 1/2 से, बस का भी ऐसे ही, ये 328 से डिवाइड कर देंगे। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ, ओके, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, एंड ऐसे ही बस का भी, बस का थोड़ा डिफरेंट आएगा, देखते बस का क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एयर एरोप्लेन एज्यूम करना है शॉर्टेस्ट पाथ से जाता है, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना। तो ये 260 था डिवाइड बाई हाफ, 520 आ गया, और बस का 320 रोड से गए, डिवाइड बाई हाउ मेनी आवर्स, 8 आवर्स दिया है, 40 आ गया, और सी में क्या था, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो सेम आ जाएगी, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा पटना टू रांची, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ही है, 220 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एयर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस, तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वो ये वाला यूज़ कर लेंगे, 260 वाला, और टाइम कितना लग रहा है, 8 32.5, डायरेक्शन पटना टू रांची अगेन, डायरेक्शन भी देनी पड़ती है ना डिस्प्लेसमेंट में। चलो, व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स दिस मच, व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर्स, उसका मीटर रीडिंग ये हो गई, ऑडोमीटर बोलते हैं उसको, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो माइनस कर दो इसमें से, ये कितना आ रहा है, 64। टाइम कितने घंटे लगे, 2 घंटे, 2 से डिवाइड कर दो, 32 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, 0, वो वापस घर में आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज 0, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं इसको, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज 0, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इज एवरेज एक्सलेशन, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, 18 मतलब 5 हो गया, 5 - 0/2, एवरेज एक्सलेशन आ जाएगा 2.5।
The speed of car as a function of time is shown. Find the distance traveled by the car in 8 seconds and its acceleration. 8 सेकेंड में उसकी स्पीड हो रही है 20, तो डिस्टेंस के निकालने के लिए एरिया निकाल लो ट्राइंगल का. ठीक है, और स्पीड जो है कांस्टेंट से स्पीड चेंज हो रही है उसकी, तो 0 से 20 कितनी देर में हो रही है, 8 में हो रही है, तो उससे एक्सेलेरेशन आ जाएगा. तो एरिया निकाल लिया, एरिया से इतना आ गया एक्सेलेरेशन, चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक ही डायरेक्शन में जा रही, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम रहने वाली. तो 20 डिवाइड बाई 8, ये 20 8, ये 0 थी. ठीक है, सेवन्थ, द एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट स्टार्टेड एट टी इज इक्वल टू 0 वेरीज विद द टाइम एज शोन. Find the distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph also. तो distance traveled निकलना है, acceleration time graph दिया ना, ये acceleration दिया, देखो this is acceleration. ठीक, तो find the distance traveled, तो uniform acceleration है first part of journey में, देखो 5 का है, time कितना 10, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट है 0, एक्सेलेरेशन ऑफ कार्ट स्टार्टेड एट टी इज इक्वल टू 0, तो 0 ही है स्पीड उसकी, स्टार्टेड एट टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया तो यू 0 है. तो एस इज इक्वल हाफ 80 स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, तो 250 आ गया, और 250 उसका डिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, हम जल भी स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 है ना. जस्ट ए मिनट, इट इज हैंग, ओके, तो जस्ट होल्ड ऑन, तो ये था ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस हो गया, एंड उसके बाद क्या था, फाइंड, अच्छा उसके बाद आगे भी डिस्टेंस रहेगा ना, फिर उसके लिए यहाँ से एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड निकालनी पड़ेगी हमें, 50 आ गई तो स्पीड इनटू टाइम से ये 500 और आगे गई. यहाँ पे जब पहुँची तो ब्रेक्स लगाए गए, ब्रेक्स लगाए गए तो उसमें हमें फिर से वो रिटार्डेशन होगा, तो उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये इसके लिए यू का काम करेगा, ये जो 50 निकाली यहाँ से वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, रुकने कितना टाइम है, 30 सेकंड तक, तो 30 ये यहाँ से यहाँ तक का 30 माइनस 20 10 रहेगा, और प्लस हाफ ए, तो ये निगेटिव है, देखो माइनस 5 है इधर, सी है, ओके, तो इसलिए माइनस 5 पुट किया, और टाइम 10 सेकंड, तो ये 250 और आ गया, तो ऐड कर दिया, तो फीट में दिए हुए हैं ना, फीट में दिए, तो मीटर नहीं लिखेंगे, फीट लिखेंगे लास्ट में, फीट पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हो गया तुम्हारा टोटल इतने फीट, 1000 फीट. नाउ इसका ग्राफ देखते, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो इनिशियली उसमें पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, ऐसे जाएगी, फिर एक्सेलेरेशन 0 होगा तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, पोजीशन उसका कांस्टेंट, उससे चेंज होगा, फिर ब्रेक लगाए तो ये उल्टा, नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है उल्टा बाउल, उल्टा कट हो रहा है ऐसा समझ लो, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होता है तो सीधा कट हो रहा है ऐसा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज द सेवंथ क्वेश्चन. 8 देखते हैं, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, फाइंड
द एक्सलेशन, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी दी हुई है 2 दी है और फाइनल 8 दी हुई है, कितने टाइम पर, 10 पर। तो एक्सलेशन निकलना है वी माइनस यू बाई टी 8 माइनस 2 अपॉन 10। कौन सा एक्सलेशन है ये? एवरेज एक्सलेशन है, बट सेंस यूनिफॉर्म एंगल चेंज नहीं हो रहा तो ये इंस्टेंटेनियस भी होगा। अच्छा इन्होंने एक्सलेशन, बट ये एवरेज एक्सलेशन है एंड इट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। ये इंस्टेंटेनियस पूछा है उन्होंने, दोनों सेम होंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस निकालना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी से निकाल लो, या फिर एरिया निकाल लो, हाफ इंटू 6 इंटू 10 30। नहीं ये ऑलरेडी यहाँ ये भी है ना, पूरा एरिया चाहिए, ओके जस्ट मिनट, पहले से देखते कितने रहा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 10 यू 2 और ये 10 है और ये एक्सलेशन ऊपर से 0.6 आया तो ये 50 आ रहा है ना, तो ये 20 पहले का भी आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो एरिया में पूरा लेना पड़ेगा ये, इससे आ जाएगा 50 ना। द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10, तो से डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो सेम आंसर होगा, है ना। एक मिनट, ये यहाँ तक का तुम्हारा 2 into 10 20 आ गया, ठीक है, बाकी ये 30 आ गया था, सही है, एरिया से भी निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये एक्स है और ये टाइम है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10, 0 से 10 तक डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना है, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 100 है, टाइम 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम विल गिव यू 10 meter per second, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं डायरेक्ट, एरिया नहीं निकलना है इसमें, एरिया कब निकलना पड़ता है, जब वेलोसिटी होती है, अभी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2, 5, 8 and 12, 2 यहाँ कहीं पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ कहीं पर आएगा और 12 यहाँ कहीं पर आएगा, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना, तो पूरे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगी, एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम वेलोसिटी से जा रहा है, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स द वेलोसिटी, स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी, तो यहाँ दो एक्सट्रीम पॉइंट का डिफरेंस निकालें, 50 - 0 x2 - x1 अपॉन t2 - t1 25, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम विल गिव यू द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होगी, है ना, तो 50 को 2.5 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, और यहाँ पर कोई उसकी पोजिशन चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी जो है रुकी हुई है वो, है ना, यहाँ पे रुकी हुई है, पोजिशन टाइम ग्राफ है ना, रुकी हुई, इसकी पोजिशन चेंज ही नहीं हो रही, तो रेस्ट पर है, और फिर यहाँ पर तो इस इतना डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, और टाइम कितना है ये यहाँ का 7.5 है, 2.5, तो ये फिर से 20 आ रही है ना, और इधर में देखेंगे इसमें x2 0 है, x1 100 है, तो 0 - 100 टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक 15 - 10 माइनस हो गए तो 5, तो यहाँ पर 0 - 100 डिवाइड बाई 5 -20 है, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, फाइनली 0 पे है, देखो यहाँ पर पहुँच गई वो, इसकी करस्पॉन्डिंग 0 डिस्प्लेस कहाँ से था, यहाँ से, यहाँ से इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, 10 के बाद और 15 से पहले सभी जगह पे, ठीक है। तो दिस इज द गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन द डायग्राम, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स,
पहले 40 सेकंड में निकालो, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो है क्या क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम, ऑल राइट, वेलोसिटी टाइम दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 सेकंड तक। डिस्टेंस एरिया निकाल लो, डिस्टेंस में दोनों एरिया ऐड होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाला एरिया माइनस होता है, तो एक एरिया का निकाल के डबल कर लो, बेस आधा इंटू बेस 20 इंटू हाइट, तो 10 इंटू 5 50, और डबल कर दो 100 आएगा। एरिया को डबल कर दिया हमने यहाँ पे, देखो डिस्टेंस निकालने के लिए। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो लेकिन देखो यहाँ पर क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। देखो ये पॉजिटिव डिस्टेंस एक ऐसे हो रहा है, एक्चुअली एक ऐसे जा रही है ऑब्जेक्ट, फिर रिटर्न होकर अपने इधर आ रही है, क्योंकि इधर का नीचे का जो है जब निकालेंगे ना डिस्प्लेसमेंट माइनस होगा, वो तो प्लस माइनस, वो वापस आ गई, ऐसे गई वापस आ गई, तो डिस्टेंस तो ऐड हो गया 50 प्लस 50, डिस्प्लेसमेंट 50 माइनस 50, क्योंकि माइनस दिखा रहा नीचे नीचे का उसके पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, तो देयर फॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट से हमें पता लगा एवरेज, वापस वो इनिशियल पोजिशन पे पहुंच गई 40 के बाद, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो देयर फॉर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, क्लियर। तो अगर ये ग्राफ ऐसे होता है, ये वाला भी, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी सेम आता। तो ये वेलोसिटी बढ़ी पहले उसकी, फिर 20 सेकंड के बाद ज़ीरो हो गई, फिर वो डायरेक्शन चेंज की उसने, फिर बढ़ी है ना, और मैक्सिमम पहुँची दूसरी डायरेक्शन में, फिर ब्रेक लगे और फिर ज़ीरो हो गई। चलो दिस मच ओनली, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फर्दर 10 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। डू प्रैक्टिस एंड ट्राई द क्वेश्चंस बिफोर एंड देन यू सी द वीडियो लेक्चर, एटलीस्ट ट्वाइस यू practice each question. Thank you very much.